मेरे आसपास के जो गेहूं की कटाई चल रही है ना, ये गेहूं नवंबर के महीने में बोया गया था, तो इसको बोने से पहले हल चलाया गया और इसको बोने के बाद आज तक 3 बारी कम से कम पानी दिया गया। पिछले पूरे हफ्ते बारिश होती रही, अगर यही बारिश 2 हफ्ते और हो जाती तो ये पूरा गेहूं सड़ जाता। अब इतनी मेहनत और रिस्क लेने के बाद जब किसान इस गेहूं को काटेगा और थ्रेशर में डालेगा तो उसके बाद ये गेहूं 18 रुपए किलो बिकेगी। दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनियां इस जमीन से वो पानी निकालती हैं जिसपे हम सबका अधिकार है, उस पानी को वो 8 घंटे लगा के साफ करती हैं और वो उसको बेचती हैं 20 रुपए लीटर। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। जो हमारे गांव का किसान है, इतनी मेहनत करके गेहूं उगा रहा है, देश का पेट भर रहा है, उसको आज भी अनपढ़ गवार बताया जाता है। और जो आदमी 20 रुपए दे के पानी की बोतल खरीदता है उसको हाई स्टैंडर्ड बताया जाता है। तो ये जो हमारे सामाजिक मूल्य करप्ट हो गए हैं ना, इसी के चलते आज गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, सारे जवान लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि गांव का काम है देश का पेट भरना, गांव का काम है देश के दिल को धड़कता हुआ रखना, और शहरों का काम है नॉलेज सेंटर होना, यानी कि देश का दिमाग होना। पर मुझे एक बात बताइए, जब देश का पेट खाली होगा और दिल धड़कना बंद कर देगा तो दिमाग अकेला क्या कर लेगा।